वहीं मध्य प्रदेश के निवाड़ी में नए जिला बनते ही भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। जहां देश में नदियों को बचाने के लिए सरकार लाखों हजारों और करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में नगर पंचायत की मदद से भूमाफिया फल फूल रहे हैं और नदी अपने अस्तित्व को खोती नजर आ रही है, लेकिन मानवीय मूल्यों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह नदी पहुंच में जाकर मिलती है और इसको जिला निवाड़ी की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। ये जो बात आई है, यदि ऐसा है तो मैं इस पूरे मामले को दिखवा लेता हूं और जो भी अवैध रूप से वहां गतिविधियां चल रही होंगी उन पर प्रभावी रूप से कार्रवाई की जाएगी। और ये नदी का रूप जो आप देख रहे हो, ये आज से 6-7 साल पहले इस नदी का ऐसा स्वरूप नहीं था। आज ये जो विलुप्त होने की कगार पर है, वो सब सरकारी महकमे की बदौलत है। अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाता तो ये आज विलुप्त नहीं होती। इसका पानी देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता था और ये हमारे यहाँ के जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, जो नदी के किनारे पर वास करते हैं, निवास है जिनका, तो इसका पानी पीते भी थे। यहीं पर पूरा